हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जीएस को लेकर बात करने वाले हैं। जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम लोगों को आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो अभी जो लेट जो रिसेंटली जो एग्जाम है वो आईडीबीआई के होने वाले हैं। वो चाहे असिस्टेंट मैनेजर की मैं बात करूँ या फिर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, तो एग्जीक्यूटिव का अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो उसका एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है। काफी कम दिन बचा हुआ है, ठीक है। और ये वन एग्जाम है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप इसका जॉब जरूर लेके जाएं। एंड असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है वो 23 जुलाई को है, ठीक है। तो इसमें जो जीएस का पोर्शन है, पहले एग्जीक्यूटिव में क्या होता था कि सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होते थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 150 के होते थे। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया है तो जीएस का जो पोर्शन है उसको ऐड कर दिया गया है, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 60 होंगे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बस उसको, अगर आपका वो अच्छा गया तो एग्जाम बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपका एग्जाम निकल गया, और जीएस ही आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और डुबा भी सकता है ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है लेकिन, तो हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप सोचिएगा कि आप जीएस ना पढ़ के आप इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग में पूरा ध्यान दें तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप कम से कम जीएस को 50% उसका तैयारी करके ही जाइए। तो मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक हो, मार्क्स ला सकते हो। जैसा मैं तैयारी कर रही हूँ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैंने बताया ही पिछले वीडियो में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या है जीएस को लेकर। क्योंकि जीएस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आपको चैलेंजिंग होगा, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि और भी जो एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग में, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रॉम करेंट अफेयर होते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर का जो पार्ट है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसको मैंने एनालाइज किया है लास्ट ईयर के जो आईडीबीआई सिस्टम मैनेजर का एग्जाम हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि 60 क्वेश्चन तो उसमें भी थे। मतलब कि जो सिलेबस पहले आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की थे, वो एग्जीक्यूटिव को भी उसमें इस बार उसी का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो क्लियर है कि जैसा उसका पेपर आता था उससे थोड़ा सा लेवल कम आएगा, लेकिन जीएस का जो पोर्शन है वो सेम टू सेम रहेगा। तो लास्ट ईयर मैंने देखा कि जीएस का जो पार्ट, उसमें 60 क्वेश्चन है, उसमें दो ही पार्ट पूछे जा रहे हैं, या तो बैंकिंग, बैंकिंग का जो स्टैटिक होता है, बैंकिंग स्टैटिक में बोल रही हूँ, और प्लस बैंकिंग का जो भी बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है ये 4 मंथ 5 मंथ का, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हो गया, विक्ट्री हो गया, वो सबसे कम पूछ के ये सब ज्यादा बैंकिंग में फोकस किया हुआ है, तो उसी की स्ट्रेटजी में बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करेंट अफेयर का कौन सा मंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो गया बैंकिंग में, आपको 4 मंथ करेंट अफेयर पूरा टिप्स जो होना चाहिए, मतलब कि आपको उसका हर एक क्वेश्चन आपके मुंह में होना चाहिए, मतलब कि तुरंत आप उसके दिमाग में रखिएगा, तुरंत कोई भी पूछेगा आप आंसर दे दोगे। इस टाइप से आपको बैंकिंग अवेयरनेस तैयार कर लेने हैं। ये बस मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान देने बोल रही हूँ कि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून का बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पे। एंड सिर्फ अगर आपके पास टाइम बच गया, ठीक है, ये 4 मंथ का आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम बच गया तो आप जनवरी फरवरी को भी उठा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आता है कि जो अलग से करेंट अफेयर होते हैं अपॉइंटमेंट्स, वो भी एक बार एक नज़र देख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो बैंकिंग अवेयरनेस ही प्ले करेगा इसमें, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, ठीक है, पिछले साल से। तो जो डेली करेंट अफेयर करते हैं उनको तो वो सब जो क्वेश्चन स्टेट करेंट अफेयर होते हैं, मिसलैनियस होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रेजिग्नेशन होते हैं, ऑबिचुअरी होते हैं, वो सब तो सभी याद कर ही लेते हैं, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस में भी कोई कोई इग्नोर कर रहे थे, उसको इग्नोर नहीं करना, सबको लेके चलना है इसमें, ठीक है। और इसमें तो मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा फोकस आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे ही करना है, ठीक है। ये तो हो गया। आप बात करते हैं कि बैंकिंग का स्टैटिक, ठीक है, बैंकिंग स्टैटिक में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, 50% अगर करेंट अफेयर पूछा है तो 50% आप इसमें चांसेस है कि बैंकिंग स्टैटिक पूछेगा, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा तो पिछले साल का यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि एग्जाम एनालिसिस आईडीबीआई सिस्टम मैनेजर, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो मैं बता रही हूँ सही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आई हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अगर बैंकिंग स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी जिसको बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा इसका हिस्ट्री, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है ये सभी, पेमेंट्स बैंक इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीएम के बारे में,
सॉरी मैंने दो बार एटीएम लिख दिया, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड फी नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, इसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर आपका CRR, SR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, ये सभी पूछे जाएंगे। थोड़ा डिटेल्स में चेक पूछे जाएंगे, इसका टाइप क्या होता है ये पूछे जाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे टी बिल्स, ठीक है, फिर बैंक नोट फीचर्स, मर्जर, जो भी मर्जर होते हैं बैंकों के वो पूछे जाएंगे, WPI, CPI पूछे जाएंगे, मोदी गवर्नमेंट स्कीम, मोदी सरकार ने जो भी स्कीम्स लाए उस पर हर साल हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन तो रहते ही, वो पूछे जाएंगे। और फिर लास्ट में NEFT, RTGS, IMPS, ये सभी पूछे जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो ये आप कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर अलग से करने की जरूरत नहीं, अगर आप डेली करेंट अफेयर करते हो तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आता है उसको नोट डाउन कीजिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, उसका स्थापना दिवस लिखिए, उसके जो हेड है उसका नाम लिखिए, किया कोई भी एक नोट्स आप बना लोगे तो आराम से वो हो जाएगा। क्योंकि ये सभी जो स्ट्रेटेजी पूछे जाते हैं ये सभी करेंट बेस्ड ही होते हैं, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह कोई भी कंट्री अगर न्यूज में चल रही तो उसका CCC रूल, जो कि आशीष गौतम सर बताते हैं अड्डा पे, तो मैं उनको ही फॉलो करती हूँ डेली करंट अफेयर के, तो वो बहुत ज्यादा स्टैटिक कवर कर देते हैं, तो वो कंट्री कैपिटल करेंसी साथ में ही पढ़ाते हैं, तो उसमें वो हो जाता है। नेशनल पार्क, ये भी जो भी न्यूज में रहता है उसको कर लीजिएगा। एंड सेंसर, देखिए अभी कुछ न्यू ये जोड़ा गया है, क्योंकि IBPS क्लर्क में मैंने इसको देखा, तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम बचता तो आप सेंसस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मतलब अब नया जुड़ने वाला है, मतलब नया जुड़ गया है समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर में है उसको कर लीजिएगा अगर टाइम बचे तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट एंड करेंट अफेयर्स, मैंने बताया करेंट अफेयर्स जो आपको करने हैं वो ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस से ही रिलेटेड करने हैं, ठीक है। और जो भी अलग से करेंट अफेयर होते हैं वो अगर आप डेली कर रहे हो तो हो ही जा रहा है, अगर उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन हाँ ज्यादा फोकस आपको बैंकिंग अवेयरनेस में ही करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग को ये कहाँ से करोगे, तो आप लोग मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी को एक एक सोर्स तो आपके पास होगा ही, कि हाँ डेली बेसिस पे करते होगे या फिर वीकली या फिर मंथली, आप कोई ना कोई सोर्स से करते हो। तो मेरा जो सोर्स है वो द हिंदू रिव्यू है, जो कि मंथली रहता है और डेली रहता है अड्डा का, तो मेरा अच्छे तरीके से कवर हो जाता है करेंट अफेयर्स, तो मेरा वही सोर्स है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस का जो ये स्टैटिक है उसका PDF दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास है इसका पेड वाला, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, ठीक है। और गाइस अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा यूजफुल वीडियो बनाती हूँ या फिर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे और वीडियो बनाने का लगता है कि हाँ चलो और वीडियो बनाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो फायदा ही, मुझे तो कुछ लगता नहीं कि चलो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बेकार की मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता होगा वीडियो तो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप और भी वीडियो चाहते हो स्ट्रैटेजी को लेकर, तो जो मेरी स्ट्रैटेजी उसको जानने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।